हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो है बिजली बिल जमा करने में विभाग ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों अगर आपका बिजली कनेक्शन है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये नया नियम चालू कर दिया है बिजली विभाग ने। तो दोस्तों ये कौन सा नियम है ये वीडियो को पूरा देखें एंड तक, तभी आपको पता चलेगा ये कौन सा नियम है। तो दोस्तों बीपीएल और एपीएल परिवारों के कनेक्शन को धारियों को बकाया बिजली बिल पर नया नियम चालू कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया उसे भी टच करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सके हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है और दोस्तों आपको कमेंट में लिख देना है आपका बिजली बिल अभी तक माफ हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिख दें और आपका बिजली बिल होगा माफ। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बिजली बिल जमा कराने में विभाग ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों नया नियम कौन सा है, बिहार स्टेट पावर होल्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल एवं एपीएल परिवार के कनेक्शन धारियों के बकाए बिजली बिल जमा कराने में नया नियम चालू कर दिया है। तो दोस्तों अब 50,000 से कम राशि तक का बिजली बिल बकाएदारों को 2,000 या 3,000 रुपये की ही जमा करना होगा। इसके लिए बीपीएल का वालों से 2,500 तथा एपीएल वालों से 3,500 रुपये ही बकाया राशि वसूल की जाएगी। इस बाबत कार्यपालक अभियंता मृत्यु संजय कुमार ने बताया कि बीपीएल परिवारों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर ज्योति की तहत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को जिनका अभी बिजली बिल नहीं कट पाया है और चालू माह तक बिजली बिल प्राप्त है उन्हें तत्काल 2,000 रुपये एक किस्त जमा करना होगा, फिर उसे चालू माह के बिजली बिल के साथ साथ 2,000 की राशि 12 किस्तों में जमा करने का अवसर मिल गया है, बशर्ते किस्त की राशि तथा चालू माह का बिजली बिल की राशि नियम जमा करना होगा। इसी प्रकार एपीएल परिवार के कनेक्शन धारियों को जिनका बिजली बिल 50,000 से कम होगा तथा विभागीय स्तर से अभी तक जिनका कनेक्शन नहीं काटा गया है उन्हें भी अभी 3,000 रुपये राशि एक किस्त में जमा करना होगा, फिर उन्हें 12 किस्तों में 3,000 की राशि नियमित रूप से किस्त के साथ चालू माह तक बिजली बिल की राशि जमा करनी होगी, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। कार्यपालक अभियंता मृत्यु रंजय कुमार ने बिजली बिल के बकाए शेष राशि पर विभागीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा निर्णय लेने के उपरांत कम तक के बिजली उपरांत ही आगे की प्रक्रिया विभाग द्वारा प्रारंभ की जाएगी। बताया जा रहा है कि विभाग 50,000 से कम तक के बिजली बिल की राशि में अभी एपीएल के 3,000 तथा बीपीएल के परिवारों के कनेक्शन को तत्काल राहत देते हुए मात्र 2,000 जमा करने का सुनहरा ऑप्शन प्रदान किया है। शेष बकाए बिल की राशि पर सरकार द्वारा निर्णय के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो आपको सरकार की तरफ से मिलेगी छूट। अगर आपका एपीएल या बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको दो हज़ार रुपये जमा करना होगा। अगर आपके 50,000 रुपये का बिल है तो आपको 2,000 रुपये जमा करने होंगे। ये कैसे करने होंगे हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने अपना